नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। हर हर महादेव। नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नागपंचमी पर खुल रहे हैं इस मंदिर के पट। मान्यता है दर्शन मात्र से दूर हो जाता है काल सर्प दोष। आइए जानते हैं। नाग पंचमी का दिन वो एकमात्र दिन है जब उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने पर सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। सावन माह में नाग पंचमी का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस बार नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। हर साल नाग पंचमी के दिन उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के शिखर पर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट खोले जाते हैं। आपको बता दें कि 11वीं शताब्दी के इस मंदिर के पट साल में केवल एक बार यानी नाग पंचमी के दिन ही खोले जाते हैं। नाग पंचमी के दिन यहाँ भक्त नाग चंद्रेश्वर की त्रिकाल यानी तीन पहर की पूजा की जाती है। ये मंदिर अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि विश्व में कहीं भी नाग चंद्रेश्वर की प्रतिमा भगवान शिव के साथ नहीं है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट गुरुवार की रात को 12 बजे खोले गए थे और 9 अगस्त यानी शुक्रवार की रात को 12 बजे तक दर्शन के लिए खुले रहेंगे। यहाँ भक्त नाग चंद्रेश्वर और महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। महाकाल के दर्शन के लिए त्रिवेणी संग्रहालय के रास्ते से जाया जाएगा। आपको बता दें कि ओमकारेश्वर मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह के ऊपर स्थित है। इसके शीर्ष पर नाग चंद्रेश्वर का मंदिर है जो साल भर के इंतजार के बाद केवल नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। यहाँ नाग पंचमी पर लाखों भक्तों की भीड़ लाइन में लगकर भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करती हैं। क्या आपको पता है कि यह नाग चंद्रेश्वर भगवान की प्रतिभा कहाँ से लाई गई थी? तो चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित प्रतिमा 11वीं सदी में स्थापित की गई थी। इस मंदिर का निर्माण और प्रतिमा की स्थापना परमार राजा भोज ने की थी। यह 7 फनों वाली नाग चंद्रेश्वर की प्रतिमा है। इसमें नाग देवता और 7 फन फैलाए दिखते हैं। इस प्रतिमा के ठीक ऊपर भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति है। नाग चंद्रेश्वर की प्रतिमा के एक तरफ नंदी की मूर्ति है तो दूसरी तरफ सिंह की मूर्ति स्थापित है। ये दोनों ही शिव और पार्वती के वाहन कहे जाते हैं। नंदी भगवान शिव का वाहन कहलाता है और सिंह माँ पार्वती का वाहन है। नाग चंद्रेश्वर की प्रतिमा नेपाल से लाई गई है और कहा जाता है कि नाग चंद्रेश्वर की ऐसी प्रतिमा विश्व में कहीं और नहीं है। अभी तक दुनिया ने 7 फन वाले नाग देवता यानी भगवान नाग चंद्रेश्वर को भगवान शिव की सैया के रूप में देखा है, लेकिन इस मंदिर में नाग चंद्रेश्वर भगवान शिव के साथ हैं। यहाँ भगवान विष्णु की जगह भगवान शिव सर्प सैया के साथ दिखते हैं। इस मंदिर की एक अनोखी मान्यता है कि यहाँ महाकाल के दर्शन करने पर जातक सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। अभी के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अद्भुत प्रतिमा के दर्शन के साथ कुछ ना कुछ ज्ञान तो प्राप्त हुआ ही होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। हर हर महादेव।